क्या मेरी छाती पर बैठी हो? ना मेरा घर, ना मेरा द्वार, ना मैं लेने में, ना मैं देने में, मैं क्यों बुरा मानने लगी? मैं ही क्यों ना डूब मरूँ कि सारा घर शांत हो जाए? विस्की गांठ तो मैं ही हूँ, सारे घर का तो मेरे मारे नाक में दम है, मैं ही सबको आंखों में खटकती हूँ। पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं। वह में पतु से रूट कर प्रहा इस प्रकार की वह राग्यपूर्ण बातें किया करती हैं। यह कोई नई बात नहीं थी। वह अपने ही को सुना कर बोली, मैं जानती थी कि अपने झोपड़े से पाँव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जानबूझकर मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। मैं कमला प्रसाद की बातों में आ गई। इतनी जगह साई और भाग में लिखी थी। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, तो उन बाबू साहब ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? उसने अपना वाक्य समाप्त तो कर लिया, पर मुंह की चेष्टा से ज्ञात होता था कि वह और भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कह रही है। सुमित्रा ने द्वार की ओर जाते हुए रोखे स्वर में कहा, मेरे लिए जैसे कमला प्रसाद बाबू वैसे तुम। सुमित्रा ने कहा, तो जाती कहाँ हो, जरा बैठो तो। पूर्णा ने कहा, नहीं बहन, बैठने का प्रसाद पा गई, अब जाने दो। पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी, उधर सुमित्रा ने हारमोनियम में गाना शुरू किया, वो दो स्वार्थ का संसार। यह गाना था या पूर्णा पर विजय पाने का आह्लाद? पूर्णा को तो यह विजय गान सा प्रतीत हुआ। एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक स्वर के समान चोट कर रहा था। क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है? असंभव। न जाने वह कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब वह इस घर में आई। अपने उस झोपड़े में रहकर सिलाई करके या चक्की पीस कर क्या वह जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी? बेचारी बिल्लो अंत तक उसे समझाती रही, पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे, उसकी बात कैसे मानती? अब पूर्णा का हृदय एक बार फिर कमला प्रसाद से बातें करने के लिए व्याकुल हो उठा। वह उनके सामने स्पष्ट कह देना चाहती थी कि वह इस घर में नहीं रह सकती, उनके सिवा और किससे कहे? लाला बद्री प्रसाद हंसकर टाल दें, अम्मा समझेंगी कि यह मेरी बहू की बराबरी कर रही है, अभी से चले जाने में कुशल है। कहीं कोई दूसरा उपद्रव उठ खड़ा हो तो कहीं मुँह दिखाने लायक भी ना रहूं। सुमित्रा चाहे जो लांछन लगा दे, दुनिया उसी की बात मानेगी। पूर्णा रात ही में एकांत में रात के समय कमला प्रसाद के पास जाने पर पछता रही थी। उन भले आदमी को भी उस समय चुगल करने की सूझ गई, मगर वह साड़ी मुझ पर खूब खिल रही थी। मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, पर एक बार और उनसे मिलना होगा। मैं द्वार पर खड़ी रहूँगी, मुझे कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या है, खड़े खड़े कह दूँगी, बाबूजी मुझे अब जाने दीजिए, और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृतराय का विधवा आश्रम तो है, 10-5 विधवाएँ वहाँ रहती भी हैं, मैं भी वहीं चली जाऊँ तो क्या हर्ज है? वह समझाएंगे तो बहुत, सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे, पर इस डांट डपट से और भी झमेला होगा। तरह तरह के संदेह लोगों के मन में पैदा होंगे। अभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया तो आती है, फिर तो कोई बात भी नहीं पूछेगा। विधवा को उल्टा बनते देर नहीं लगती। दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही, किसी काम में जीना लगता था, इच्छा ना रहते हुए भी भोजन करने गई। डर हुआ कि कहीं सुमित्रा आकर जलीकटी ना सुनाने लगी। जैसे तैसे किसी तरह दिन कटा, रात आई। सुमित्रा ने सरे शाम ही से किवाड़ बंद कर लिए। भोजन करने के बाद अच्छी तरह सोता पड़ गया तो पूर्णा ने दबे पाँव कमला प्रसाद के द्वार पर आकर धीरे से पुकारा। कमला प्रसाद अभी अभी सिनेमा से लौटा था, लपक कर किवाड़ खोल दिया और बोला, आओ आओ पूर्णा, तुम्हें देखने के लिए जी व्याकुल हो रहा था। पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, मेरे वहाँ आने का कोई काम नहीं, मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूँ, इस घर में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, आखिर मैं भी तो आदमी हूँ, कहाँ तक सबका मुँह ताकूँ और किस किस की खुशामद करूँ। कमला प्रसाद ने द्वार पर आकर कहा, अंदर तो आओ, तुम तो इस तरह खड़ी हो मानो चपत मार कर भाग जाओगी, जरा शांत होकर बैठो तो सुनो क्या बात है। इस घर में कौन है जो तुम्हें आधी बात भी कहने का साहस कर सकता है? अपना और उसका खून कर दो, मगर अंदर तो आओ। पूर्णा ने कहा, मेरे अंदर आने की ज़रूरत नहीं, यूं ही ताने मिल रहे हैं, फिर तो न जाने क्या कलंक लग जाएगा। कमला प्रसाद ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा, किसने ताना दिया है? सुमित्रा ने, पूर्णा ने कहा, किसी ने दिया हो, आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ है। ताने वाली बात होगी तो सभी ताने देंगे, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। केले के लिए तो ठीकरा भी रैनी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप लोगों ने मेरा इतने दिन पालन किया, इसके लिए मेरा एक एक रुआ आप लोगों का जस गाएगा। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं ना कहीं ठिकाना लग ही जाएगा, और कुछ ना होगा तो गंगा जी तो है ही, तो पहले मुझे थोड़ा सा संख्या देती जाओ।
पूर्णा ने तिरस्कार के भाव से देखकर कहा, कैसी बात मुंह से निकालते हो बाबूजी, मेरे प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे देने में आनंद मिलेगा। लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चलकर ना जाने और कितनी बड़ी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया और द्वार बंद करता हुआ बोला, हाँ अब कहो क्या कहती हो, सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है? पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली, पहले द्वार खोल दो तो मैं बताऊँ, क्यों व्यर्थ मेरा जीवन नष्ट कर रहे हो? खोल दूंगा, ऐसी जल्दी क्या है, पानी में भी तो भीग नहीं रही हो, या मैं कोई हवा हूँ? इस तरह की बातें दोनों के बीच चलती रहीं। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया। उसका एक हाथ किवाड़ की चटकनी पर था, वह आप ही अपनी चटकनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ाई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले।